अवाम है कुकरनाग, अवाम है लारनो, अवाम है छतरगोल। साथियों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ की एक बहुत ही माया नाज लीडर हमारी बहन परवीना जी, जो यहाँ बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन है, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है। जोरदार तालियों के साथ इसका इस्तकबाल करें। परवीना जी जो कि यहाँ की एक बड़ी माया नाज शख्सियत हैं और ये पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बहुत ही माया नाज ये लीडर हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। दो अल्फाज आप आवाम के सामने यहाँ रखेंगे। इधर से ही। हमारे रिटायर्ड के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, हमारी डॉक्टर इंद्राबी साहिबा, डॉक्टर साहिबा और हमारे तमाम जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे पंच सरपंच साहिबान और हमारे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सबको मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, क्योंकि लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो काम हमारे यहाँ के लीडरों ने 70 सालों में भी नहीं किए। इस वक्त देखो, गांव-गांव में गलियां बन रही हैं, कोचे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। हमारे एक एक सरपंच ने, जहां पर एक एमएलए एक ट्रांसफार्म नहीं लगा सकता था, वहां पर हमारे सरपंचों ने चार चार पांच पांच ट्रांसफार्म लगाए। वहां पर हमारे सरपंचों ने वाटर सप्लाई के काम किए, वहां पर हमारे सरपंचों ने इस वक्त बिजली के खंभे लगाए, रोड बन रहे हैं, गलियां कोचे बन रहे हैं। जिन पहाड़ों पे लोग रह रहे थे, जो आज तक जिनकी उम्मीदें टूट गई थी कि हम भी कभी पुख्ते रास्ते पे चलेंगे, आज उन लोगों तक काम पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो हमारी भाजपा सरकार है, इन्होंने सब कुछ बाहर लाया है, सारे काले धंधे बाहर निकाले हैं, सारा सिस्टम ऑनलाइन किया है। क्योंकि आज अगर सेंटर से कोई पैसे आते हैं वो आम लोगों तक पहुंचता है, गरीब आवाम तक पहुंचता है। इसके पहले भी फंड्स आते थे स्टेट से, लेकिन हमारे यहाँ के जो लीडर थे वो पीछे से ये पैसा हड़प लेते थे, हमारे गरीब आवाम तक कुछ नहीं पहुंचता था। इसलिए जब हमारी भाजपा सरकार ने काम अच्छे किए हैं, तब हम जाके इस वक्त इस पार्टी में आए, इस पार्टी का दामन थामा है और तमाम अपने लोगों को साथ लेकर इस पार्टी का दामन थामा है। थैंक यू। शुक्रिया हमारी बहन परवीना जी, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने जो भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की है। यहां एक बहुत बड़े मायानास लीडर, जो इससे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब थे, नजीर अहमद खान साहब, उनको मैं दावत देता हूं। जोरदार तरीके से नजीर अहमद खान साहब का इस्तकबाल करो, तालियों के साथ। नजीर अहमद खान साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। दो अल्फाज इरादे जिनके पक्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजूं से वो घबराया नहीं करते। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के सदर जनाब रविंदर रैना साहब, यूटी के नायब सदर जनाब सोफी साहब, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब गनाई साहब, मोहम्मद रफीक वानी साहब, मेरे अच्छे दोस्त वजाहत साहब, मेरी बहन चेयरमैन डॉक्टर साहिबा, हमारे खान साहब जिसने हमें सियासी गुरु बने हैं, मोहम्मद सिद्दीक खान साहब, अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रीढ़ की हड्डी के तौर काम कर रहा था प्रेंग में, यह आप लोगों को मालूम है।
2002 से लेकर 96 से लेकर 2014 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं आपके लीडर गवाह है। मैं रीड की एरिया काम कर रहा था यहाँ पे, लेकिन धोखा है आप लोगों के साथ, कोई नहीं है। असली रास्ता, असली लीडर और आने वाला फ्यूचर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जनाब रैना साहब ही होगा। रैना साहब, हमारे पीर साहब ने आपको बोला था क्या, आपने हमें चौधरी साहब को दिया हम एमएलए दे देंगे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे उनको हम कहेंगे या एक ही चॉइस है, अब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कोई चॉइस नहीं है। इन जमीन चोरों से, दलालों से, चोरों से बच के रहिए। खाली हमारा एक ही रास्ता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। साहब सोफी साहब, आपका हाथ हमारे सर पे है, हम अल्ताफ साहब आपको दिखा के दे देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैंकुल्ला बनेगा भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आज शमूलियत की है। यहाँ जो पीडीपी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब सैयद बशारत साहब सरपंच भी है, आया जी आया। जनाब जोरदार तालियों से, ये पीर साहब हैं, पीर बशारत साहब, पीर बशारत साहब का जोरदार तालियों के साथ बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं और हम बड़े मशहूर हैं पीर साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम पीर साहब। और मैं पीर साहब से गुजारिश करता हूं कि दो अल्फाज आज के इस मौके पर। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, हम इनके बड़े मशहूर हैं दिल से। चलिए अभी आजान हो रही है तो दो मिनट के लिए खोलो मत हम सबको यहाँ खामोशी काल करना। निकलो।